नमस्ते प्रिय छात्रों, हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम 2021 और 22 के बारे में बात करते हैं। आशा है आप सभी ने पाठ्यक्रम यानी किताबें खरीद ली होंगी। सबसे पहला काम किताबें खरीदने का है, उसके बाद ही सुचारू रूप से पढ़ाई प्रारंभ हो सकती है। आज हम बात करते हैं आपके व्याकरण के और लेखन के पाठ्यक्रम के बारे में कि नए सत्र में आपका व्याकरण का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। इसमें पदबंध हैं 2 अंक के, वाक्य विचार रचना के आधार पर 3 अंक के हैं, समास 4 अंक के, मुहावरे पाठ्य पुस्तक के आधार पर 4 अंक के और अलंकार 3 अंक के हैं। इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में 16 अंकों की व्याकरण है। लेखन यानी रचना कार्य में अनुच्छेद लेखन है 6 अंक का, औपचारिक पत्र 5 अंक का, सूचना लेखन 5 अंक, विज्ञापन लेखन 5 अंक का है और लघु कथा लेखन भी 5 अंक का है। इस प्रकार से 26 अंक की आपकी ये रचना लेखन है। इसके साथ ही 10 अंकों का अपठित बोध है, अनसीन पैसेज। कुल मिलाकर के आपके 52 अंकों का रचना अपठित बोध और व्याकरण का पाठ्यक्रम है। इसके बाद 28 जो नंबर हैं उनमें स्पर्श भाग ब और संचयन भाग ब दोनों मिलाकर के 28 अंकों की है। 20 अंक विद्यालय के जो अतिरिक्त गतिविधियों के हैं। इस प्रकार से आपका 2021 और 22 का 10th का पाठ्यक्रम है। आप को यह पाठ्यक्रम लिखित में भी भेज दिया जाएगा और आप इस पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी आगे की तैयारी के लिए तैयार रहें, पढ़ाई के लिए तैयार रहें। आपको इसके PT1 के जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार अगली कक्षा से आपकी पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाएगी। आशा है आप पूरे मन के साथ पढ़ाई के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।